रैग बिकस जो कूड़ा चुनने वाले बच्चे हैं जिनको मेरियानिस्ट धर्म समाज वाले एजुकेशन फैसिलिटीज देते हैं, तो उन्हीं के साथ कोलैबोरेट करके आज हम यह एजुकेशनल किट्स देने वाले। देखो माय गॉड सी वाव लवली। नो बट आई मैनेज टू कैप्चर द राइट कॉम्पिटेंस को मोमेंट। और उनके सहायक धर्माध्यक्ष और उनके साथ में आए चैरिटी सिस्टरगण और हमारे रेड्स के डायरेक्टर ब्रदर प्रताप और इधर हमारे समुदाय ज्ञानदीप के सुप्रियर ब्रदर बसंत और हमारे सेंटर के सेंटर इंचार्ज हर गोवा से आए हैं, पहाड़ी से, हिंसपीढ़ी से, इर्गुटोली से और खासगढ़ा सेंटर से और वहाँ से सभी बच्चे। मैं हमारे बीच में हमारे बिशप स्वामी आर्च बिशप स्वामी फेलिक्स टोपो और उनके सहायक थियोडोर मस्करेनस
दोनों भी सबको हमारे बीच में देखकर बहुत खुश हूँ। बता देना चाहूंगा कि करीब 15 साल के बाद हमारे रेड परिवार में विषभ हाउस से फिर से हमारे परिवार में पढ़ा देंगे। ज्ञानदीप में रेड के लिए गोपीस घर बना, उस समय हमारे कार्डिनल टेलीस्कोपो को आए थे आशीष देने के लिए। उसके बाद आज हमारे दोनों का होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। कभी बहुत कम समय में दोनों जन आते हैं, तो हमारे रेड्स परिवार के जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों को देखने और आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, बहुत बड़ा खुशी का दिन है ना। तो मैं रेड्स परिवार की ओर से आप दोनों को सारे हृदय से, और यहाँ पर सिस्टर गन ब्रदर लोग आए हैं अल्बर्ट कॉलेज से, और कुछ पुरोहित भी हैं, वॉलेंटियर भी हैं, उन सबों को मैं रेड्स परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। वेलकम। तो अभी देरी नहीं करते हुए सभी बच्चे सभी को जोर से ताली बजाएंगे। सभी को झूमेंगे, ऐसे झूमेंगे। सभी कोई जोर से बोलेंगे ना, जय जीसु बिशप स्वामी जी, बोलिए जोर से। और स्वागतम बोलिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आज के प्रोग्राम के बारे में और हमारे यहाँ आने का जो मकसद है, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे।
ब्रदर, अगेंस्ट ब्रदर, सिस्टर, मदर टेरेसा की सिस्टर, मेरे प्यारे टीचर लोग जो ये बच्चों की संभाल करते हैं, और मेरे प्यारे बच्चे बच्चियों, जानते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं? नहीं जानते, बहुत अच्छी बात। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम आप लोगों से प्यार करते हैं, और इस प्यार के साथ हम आप लोगों को एक स्कूल बैग लाया है, एक पेंसिल बॉक्स लाया है, छोटे बच्चों को कलर बॉक्स लाया है, बड़े बच्चों को ज्योमेट्री बॉक्स लाया है, और नोटबुक लाया है लिखने के लिए ना। क्यों लाया? आप लोगों ने पैसा नहीं देना है, हम सब आप लोगों को एक गिफ्ट दे देंगे, दान करेंगे। क्यों? हमें चाहिए कि आप लोगों में से हर एक जन अच्छी तरह से पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करके आगे बढ़े, और जिंदगी में जो आजकल आप कर रहे हैं वो काम नहीं करना चाहिए बच्चों ने। पढ़ाई करके बड़े बनके एक दिन खुद अपने पैरों पे खड़ा होना, ये हमारी और इस इच्छा के साथ हमारे जो मलयालम फादर्स है, ब्रदर्स है, वो आप लोगों की देखभाल करते हैं, आप लोगों को मदद देना। तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए? पढ़ाई करना चाहिए, बहुत अच्छा, पढ़ाई करना चाहिए। मुश्किल होता है कभी कभी पढ़ाई करना ना, खेलना आसान होता है ना, कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता पढ़ाई करने के लिए ना, मिलता है, मिलता है, लेकिन नहीं करने चाहते हैं, करते हैं, बहुत अच्छा। तो पढ़ाई अच्छी तरह से करना, पढ़ाई करने के बाद बड़े होना, बड़े होते हुए दूसरे गरीब बच्चों को भी मदद। आप लोग गरीब है ना, जानते हैं ना, हाँ, लेकिन भगवान के सामने कोई गरीब नहीं होता। मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आप लोगों के पास भी पैसा होगा, जब पैसा आएगी क्या करेंगे पैसा लेके? कहना चाहेंगे, अपना देखभाल करेंगे, तो हम प्रभु का प्यार, प्रभु के आशीष। हम कौन है जानते हैं आप लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन लोग कौन बनता है आप लोग? ये लोग कौन लोग बनता है? ठीक है, तो हम आदिशे भारत से आए हैं, कैथोलिक चर्च की ओर से। कैथोलिक चर्च क्या है पता है आप लोगों को? नहीं पता है। ठीक है, हम प्रभु यीशु के नाम से आए हैं आप लोगों को प्यार देने के लिए। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर लीजिए, अच्छी तरह से बड़े हो जाइए और जिंदगी बनाइए ना, सबों को प्रभु के आभार। मैं विशेष करके मलयालेश ब्रदर फादरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बच्चों का, गरीब बच्चों का संभाल करते हैं, टीचर्स को मदद करते हैं, और साथ साथ जो टीचर लोग हैं तो उनको मदद करके आगे बढ़ना उनकी लाभ। ये बच्चे अपने आप स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिसलिए हम उनको यहाँ लाते हैं, मदर लोग, हमारे मदर लोग उनको मदद करते हैं। तो हमारी यही इच्छा है कि दूसरों लोग भी हमारी सहायता में आइए, ये बच्चों को आगे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता देना चाहूँगा कि हम लोगों का धर्म पूरा रांची शहर के, झारखंड के बड़े धर्म गुरु हैं, हम उनके सहायक तो बहुत बड़ा है ना, जो हमारे लिए हमारे पास आए हैं, तो विशेषकर सहायक धर्माध्यक्ष के लिए हम लोग और एक बार जोरदार ताली बजाएं।
जो हमारे सबसे बड़ा धर्म गुरु या तो स्वामी जी बोलते हैं, उनको हम लोग आग्रह करेंगे कि एक छोटी प्रार्थना हम लोगों के लिए, रेत परिवार के लिए करेंगे। अतिमान्य बिशप थियोडोर मस्करेनस, वीरेंद्र, सभी मरियन ब्रदरगण, सिस्टरगण, सभी शिक्षिकाएं और मेरे प्रिय बच्चों, अभी तुम लोगों ने कहा कि हम लोग फादर लोग हैं, है ना? फादर लोग से थोड़ा बड़े हैं, कोई बात नहीं। एक चीज तो बता रहा हूँ कि जब हम लोग छोटे थे तो इन लोगों के समान थे। हम लोग भी गरीब दोनों परिवार, बता दें ये सच्ची बात है। लेकिन जिस तरह से तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, तुम्हारी चेष्टा रहो, उसी तरह से हम लोगों ने देखभाल की, हम लोगों को पढ़ने में प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया और इस तरह से हम लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े। मैं चाहूँगा कि तुम लोग भी पढ़ लिख कर आदमी बनो। बनेगा? बढ़िया से पढ़ो और धीरज के साथ जरूर आगे बढ़ो। हम लोग यही चाहते हैं क्योंकि एक बात याद करो कि हम लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर एक ही है, हम कोई भी धर्म का पालन क्यों ना करें लेकिन ईश्वर एक है और वो ईश्वर की इच्छा है। और चूंकि हम लोग एक उसकी संतान है, उसके बेटे बेटियां हैं, इसलिए हम लोग को चाहिए कि आपस में हम मेल प्रेम से रहें, एक दूसरे की सेवा सत्कार करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। यही ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम प्रेम पूर्वक रहें, किसी से झगड़ा टकराव ना करें बल्कि एक दूसरे के साथ। और इसीलिए जिससे पहले भी जाए कहा कि एक दूसरे को हम लोग जो प्यार करते हैं, उसी प्यार को बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्यार के सभी कोई हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे और सिर झुकाएंगे ना। उनके गुरुजन और जो भी उन्हें सलाह देते हैं उसको वो पालन करें और धीरज पूर्वक अध्ययन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इन बच्चों के हरेक के परिवार में प्रेम और शांति दे, इनके माता पिता को आशीर्वाद दे, भाई बहनों को आशीर्वाद दे ताकि वे एक दूसरे के साथ मेल जोल से रहें और उस पर विश्वास करें। ईश्वर आपसे यही याचना करते हैं कि हम सभी मेल जोल से रहते हुए कलर बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, वो आप जैसे बच्चे हैं जो अपना खाने के आइसक्रीम का कुछ त्याग करके अलग रखा है और ये हमारा कैथलिक चैरिटीज है उसको दे, वो उनकी त्याग और दान से हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो उनके लिए भी प्रार्थना करना कि अच्छे बच्चे बने और दूसरों की सहायता करके। अच्छा, सबसे पहले
कॉलेज के विद्यार्थी Thank you.
आवाज थी। Thank you.
Thank you.